हेलो गाइस, वेलकम टू वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सबा इस्माइल और मेरे साथ हैं नवीद बलोच, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी रिएक्ट ऑन इंडियन स्मार्ट सिटीज। जी हाँ, भुवनेश्वर सिटी एंड रायपुर दोनों ही कैपिटल हैं अपने अपने स्टेट के, एक उड़ीसा स्टेट और दूसरा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की खूबसूरती भी लाजवाब है और उड़ीसा भी अपने आप में एक नुमाया खूबी रखता है। तो वीडियो देखने से पहले देखना ये है कि इंडिया अपनी स्मार्ट सिटीज को कैसे डेवलप कर रहा है, ठीक है, और कितनी तेजी से कर रहा है। इस बात को हमने थोड़ा इस वीडियो से भी जज करना है और इस बात पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद डिस्कस होगी। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको हमारे इस YouTube चैनल में। आज मैं आपके सामने दो राज्यों की राजधानी का कंपैरिजन लेके आया हूं। एक है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, वहीं दूसरी ओर है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को ईस्टर्न इंडिया का आईटी हब भी कहा जाता है। वहीं भुवनेश्वर शहर को भारत का बिजनेस करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस भी कहा जाता है। वहीं रायपुर को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2019 के तहत 7th रैंक मिला है। 2021 के स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार रायपुर इंडिया का 7th क्लीनेस्ट सिटी था। वहीं भुवनेश्वर में अन्य टीयर 2 सिटी के मुकाबले सबसे ज्यादा आईटी कंपनी मौजूद है। तो आइए दोस्तों, रायपुर और भुवनेश्वर के कुछ तथ्यों के आधार पर हम इन दोनों शहरों को कंपैरिजन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं भुवनेश्वर शहर के बारे में। भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल सिटी और सबसे लार्जेस्ट सिटी है। भुवनेश्वर अन्य शहर की तुलना में काफी आगे निकल चुकी है। यद्यपि मॉडर्न सिटी भुवनेश्वर शहर 1948 में स्थापित किया गया था, लेकिन वर्तमान शहर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व या उससे पहले का पता लगाया जा सकता है। यह हिंदू, बौद्ध और जैन विरासत का संगम है। वैसे तो भुवनेश्वर को सिटी ऑफ टेम्पल भी कहा जाता है। यहाँ पर 700 से भी ज्यादा मंदिर मौजूद है। यहाँ पर बहुत से कलिंग मंदिर शामिल है, जिसमें से कई 6वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी के बीच बनाई गई थी। पुरी और कोणार्क मंदिर के साथ यह स्वर्ण त्रिभुज बनाता है, जो पूर्वी भारत का सबसे अधिक देखे जाने वाले स्थानों में से एक है। 186 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला भुवनेश्वर शहर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 837,321 है और यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 4500 लोग निवास करते हैं। 1949 को भुवनेश्वर को उड़ीसा की राजधानी बनाया गया था। मॉडर्न सिटी को 1946 में जर्मन आर्किटेक्चर द्वारा बनाया गया था। यह जमशेदपुर और चंडीगढ़ के बाद आधुनिक भारत का वन ऑफ द फर्स्ट प्लांट सिटी है। भुवनेश्वर एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड टूरिज्म सिटी है। 2014 में वर्ल्ड बैंक द्वारा भुवनेश्वर को भारत के बिजनेस करने के लिए सबसे अच्छी शहरों के रूप में स्थान दिया गया था। भुवनेश्वर शहर पूर्वी भारत में तेजी से विकसित होने वाले शहरों में से एक है और यह स्टेट का इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग एंड कमर्शियल हब है। पूरे उड़ीसा के इकोनॉमी में टूरिज्म का बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें 2021 में पूरे उड़ीसा में 3.7 मिलियन टूरिस्ट आए थे। बिजनेस हब होने के कारण भुवनेश्वर का पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत के 17 टीयर 2 शहरों में से भुवनेश्वर का सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट था। वहीं भुवनेश्वर शहर की लिटरेसी रेट 93.15% है, जो नेशनल एवरेज 74% से काफी ज्यादा है। भुवनेश्वर को हायर एजुकेशन का सेंटर भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत से सरकारी और प्राइवेट कॉलेज मौजूद है, जिसमें से आईआईटी भुवनेश्वर, एम्स भुवनेश्वर, एनआईएफटी भुवनेश्वर और उत्कल यूनिवर्सिटी शामिल है। उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर का ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है और यह भारत का 17वां ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा ओडिया है। इसके अलावा यहाँ इंग्लिश और हिंदी भाषा भी बोली जाती है। अदर सिटी की तुलना में यहाँ हिंदुओं की जनसंख्या काफी ज्यादा है। यहाँ पर 95.24% हिंदू निवास करते हैं। अब बात कर लेते हैं भुवनेश्वर के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। भुवनेश्वर में रोड का घना जाल बिछा हुआ है। यहाँ पर 1600 किलोमीटर रोड का जाल बिछा हुआ है। बारामुंडा इंटर बस टर्मिनल यहाँ का मेजर बस स्टेशन है। यहाँ से आप हैदराबाद, कोलकाता, विशाखापट्टनम, रायपुर और रांची की बसें आपको आसानी से मिल जाएगी। वहीं भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन इंडियन रेलवे का वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है, जो लगभग सब सिटी से कनेक्टेड है। भुवनेश्वर ईस्ट कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर भी है। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्मों की संख्या 6 है और यहाँ से प्रतिदिन 250 से लगभग ट्रेन गुजरती है। स्टेशन की भीड़ भाड़ को कम करने के लिए न्यू भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन बनाया गया है। वहीं भुवनेश्वर एयरमार्क से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, जिसे भुवनेश्वर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ से आपको देश के हर शहर के लिए फ्लाइट मिल जाएगी।
भुवनेश्वर का प्रमुख स्टेडियम कलिंगा स्टेडियम है, जिसमें एथलीट्स, फुटबॉल, हॉकी और टेनिस के मुकाबले आयोजित किए जाते हैं। वहीं यह ओडिशा विश्व हॉकी कप के मेजबानी के लिए भी जाना जाता है। भुवनेश्वर से जगन्नाथपुरी की दूरी मात्र 60 किलोमीटर है। यहाँ से आप जगन्नाथपुरी भी जा सकते हैं और पुरी के बीच का आनंद उठा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रायपुर शहर के बारे में। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी होने के साथ साथ यह रायपुर का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर भी है। छत्तीसगढ़ के विभाजन के पूर्व यह मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था और इस रीजन का यह बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री मौजूद है, जिसकी वजह से यह सेंट्रल इंडिया का मेजर बिजनेस हब बनता है। आपको जानकर गर्व होगा कि रायपुर 2021 के स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार भारत का छठा सबसे साफ सुथरा शहर था। 2026 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला रायपुर बिजनेस करने के लिए बेस्ट शहरों में से एक है। यह प्राकृतिक संसाधनों में धनी है और यह भारत की बिगेस्ट स्टील प्रोड्यूसर भी है। यहाँ पर 200 से भी ज्यादा स्टील रोलिंग मिल्स, 195 स्पॉन्ज आयरन प्लांट, 6 स्टील प्लांट और बहुत से स्टील प्लांट मौजूद है। 2011 के सेंसस के अनुसार रायपुर की जनसंख्या 10 लाख के करीब है। रायपुर छत्तीसगढ़ के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में से एक है और दूसरे राज्य या शहरों की तुलना में रायपुर काफी आगे निकल चुका है। महज कुछ सालों में ही रायपुर अन्य शहरों से काफी आगे निकल गई है। कारून नदी के किनारे स्थित रायपुर शहर ऐतिहासिक शहरों में से एक है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक इमारतें मौजूद है। क्या आपको पता है रायपुर के केंद्र में एक घड़ी चौक है, जहाँ हर घंटे छत्तीसगढ़ के धुनों को बजाया जाता है। इससे लोगों को छत्तीसगढ़ के लोक धुनों के बारे में पता चल सके। इसका उद्घाटन 1995 में हुआ था। वहीं रायपुर में 65,000 दर्शकों की कैपेसिटी रखने वाली एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है, जिसका नाम शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम है, जो भारत का तीसरा वहीं दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टेडियम है। रायपुर सड़क, रेल, वायु मार्ग तीनों रूप से जुड़ा हुआ है। रायपुर से NH 53, NH 30 और ग्रेट ईस्टर्न रोड जैसे बहुत से हाईवेज गुजरती है, जो रायपुर को देश के कोने कोने से जोड़ती है। वहीं रायपुर नया रायपुर एक्सप्रेसवे, जिसे अटल पथ एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है, इसे रायपुर के ट्रैफिक को कम करने के लिए बनाया गया है। यह सब मिलकर रायपुर को एक अच्छा रोड कनेक्टिविटी प्रदान करती है। वहीं रायपुर जंक्शन रायपुर का प्राइमरी रेलवे स्टेशन है, जो हावड़ा, नागपुर, मुंबई लाइन में मौजूद है, जो देश के बड़े बड़े शहरों से जुड़ी हुई है। यह स्टेशन भारतीय रेलवे का A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन भी है। वहीं स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर का प्राइमरी एयरपोर्ट है, जो रायपुर शहर से 15 किलोमीटर दूर न्यू रायपुर में मौजूद है, जो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों से जुड़ी हुई है। अब जान लेते हैं रायपुर के कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में। यहाँ पर आप माता कौशल्या मंदिर, जो पूरी दुनिया में माता कौशल्या को डेडिकेटेड मात्र एक मंदिर मौजूद है, नंदन विहार, जंगल सफारी नया रायपुर, राम मंदिर रायपुर, गुरु हरिदास संग्रहालय, स्वामी विवेकानंद सरोवर, तालीबंदा लेक और ऐसे ही रायपुर में बहुत से टूरिस्ट डेस्टिनेशन मौजूद है। तो दोस्तों, आपको भुवनेश्वर और रायपुर में कौन सा शहर अच्छा लगता है कमेंट में जरूर लिखिए, और अगर आप दोनों में से किसी भी शहर में विजिट किए हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना ना भूले। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो में। निवेद, इसमें तो कोई शक नहीं, दोनों में कंपैरिजन करना डिफिकल्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे तो भुवनेश्वर अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ के आई टी हब बहुत खूबसूरत हैं और बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर रहे हैं, और वहाँ के टेंपल भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए। देखिए, सिटी ऑफ टेंपल जो है भुवनेश्वर सिटी को कहा जाता है, इसमें तो कोई शक नहीं। अगर रैंकिंग देना चाहे तो ये बहुत मुश्किल होगा रायपुर और भुवनेश्वर के दरमियान, क्योंकि दोनों ही तेजी से तरक्की करते हुए इंडिया के स्मार्ट सिटीज हैं और दोनों ही कैपिटल हैं, एक छत्तीसगढ़ का और एक उड़ीसा का। ठीक है, तो हर लिहाज से दोनों बेहतरीन कॉम्पिटिटर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है भुवनेश्वर सिटी प्लस पॉइंट पे चला जाता है, क्योंकि एक तो वहाँ का जो एजुकेशनल लिटरेसी रेट है ये बहुत अच्छा नजर आया, यानी 93+ है, तो ये ब्रिलियंट है, शानदार यार, यकीन माने 93+ पे आपका अगर वहाँ पे लिटरेसी रेट है तो इसमें कोई शक नहीं कि वह भुवनेश्वर जो है ना मजीद तरक्की करने वाला है। एक ऐसा शहर है जिसका लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, जिसका यानी कि एजुकेशनल लेवल बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो उसके बाद भुवनेश्वर सिटी जो है एक आईटी हब और इंडस्ट्रियल स्टेट है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर रायपुर को देख लें, एक बेहतरीन और क्लीनेस्ट सिटी है। ठीक है, और बेहतरीन एनवायरनमेंट रखता है रायपुर टूरिज्म के लिहाज से भी। ठीक है,
और एक यानी कि कुदरती खूबसूरती से माला माल शहर है रायपुर, ठीक है। और जो इसमें मेन बात करने वाली है रायपुर के हवाले से, वो ये है कि जो छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ ये लोग बड़े मिलनसार होते हैं, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, और यानी कि उनका रिस्पांस बहुत पॉजिटिव होता है। और अगर छत्तीसगढ़ से हमें कोई देख रहा है सीजी ब्रदर्स, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना हेलो है बाय फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दोनों ही बेहतरीन शहर हैं, ठीक है। दोनों का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, लेकिन जो भुवनेश्वर सिटी है उसके अंदर मेट्रो ट्रेन जैसी सहूलियात को लॉन्च किया जा रहा है। रायपुर में भी अगर नहीं है तो बहुत जल्द होगा, क्योंकि दोनों ही स्मार्ट सिटीज हैं। ट्रांसपोर्ट में भी बेहतरीन होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बेहतरीन होगी, ठीक है। एजुकेशनल लेवल से, टूरिज्म लेवल से, हर लिहाज से इंडिया ने इनको मजीद तेजी से डेवलप करना है। और ये दो शहर ऐसे इंडिया के स्मार्ट सिटीज हैं जो बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं, दोनों में मतलब मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल है कहीं ना कहीं, लेकिन सिटी ऑफ टेम्पल जो है यानी भुवनेश्वर सिटी, वो थोड़ा प्लस पॉइंट पे चला जाता है एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, ठीक है, आईटी लेवल के हवाले से, ठीक है। और इंडस्ट्रियल जोन बन चुका है और बिजनेस सिटी बन चुका है भुवनेश्वर सिटी, तो हर लिहाज से दोनों ही शहर जो है बेहतरीन है। और इंडिया बेहतरीन तरीके से अपने स्मार्ट सिटीज को डेवलप कर रहा है, ये बात हमें जो है ना, मैं एज अ पाकिस्तानी कपल जब से हम इंडिया पे रिएक्ट कर रहे हैं, हम अक्सर इंडिया के स्मार्ट सिटीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और यही देखते हैं कि कैसे तरक्की कर रहे हैं। तो अब भुवनेश्वर सिटी और रायपुर दोनों आपके सामने हैं, दोनों से जो हमें चीज समझ लग रही है वो यही है कि इंडिया अपने स्मार्ट सिटीज को बेहतरीन तरीके के साथ और तेजी से तरक्की की राह पर लेकर जा रहा है, ठीक है। चाहे ट्रांसपोर्ट लेवल हो, चाहे एजुकेशन लेवल हो, चाहे टूरिज्म लेवल हो, चाहे इंडस्ट्रियल स्टेट हो, हर लिहाज से आप देखेंगे कि जो स्मार्ट सिटीज है वो बेहतरीन सिटीज होने वाली हैं, और ये एक नए स्मार्ट इंडिया की पहचान होने वाले हैं पूरी दुनिया के सामने, ठीक है। 100 से शुरू शुरू में कुछ स्मार्ट सिटीज लाए, आप 100 से ज्यादा स्मार्ट सिटीज है इंडिया अपनी बना रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं आने वाले कुछ सालों में इंडिया स्मार्ट इंडिया होने वाला है। उम्मीद करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई इख्तलाफ राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर जरूर बताया बताया करें। करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड गुड बाय। बाय।